नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत। प्रतिशत के बारे में जानेंगे क्या होता है प्रतिशत। पहला क्वेश्चन, जैसा कि आपको हमारी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती थी, वह स्वयं का 107% हो जाती है, तो संख्या कितनी है? 1200। किस प्रकार से लगेगा? इसका ऑप्शन डी सही है। और आंसर किस प्रकार से आएगा? इस प्रकार से। चलो हम देखते हैं इसे लगा के। कोई संख्या है, एक संख्या में 84% की 84 की वृद्धि हो जाती है, ठीक है, तो हम देखेंगे जो 84 होगा वो 7 के बराबर हो जाएगा, ठीक, क्योंकि वहाँ वृद्धि हुई, तो यहाँ 107% हो गया, मतलब 7% ज़्यादा हो गया। तो एक्स बराबर कितने का होगा? 100% की। एक्स मान लिया हमने, वही संख्या है, 7 से इस 84 को काट दिया, 12 हो गया, और इसे कैची गुणा कर दिया था, 100 का गुणा 12 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1200 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है, तो वह संख्या का मान क्या होगा? कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, तो वो संख्या 100% से ज़्यादा नहीं होती, तो माना संख्या एक्स है और वो 100%, ठीक। कोई संख्या दूसरी संख्या से 32 मतलब 17% अधिक है, तो कितनी है वो? 120 है। कितनी है? 120 है। 17 से हम 32 से 17 घटा देंगे तो 120 आ जाएगा, जी किस में आएगा? परसेंटेज। चलो देखते हैं, तो जे हो जाएगा 15% बराबर 120 के, क्योंकि 100% बराबर हमने संख्या मानी है एक्स है, तो इस प्रकार से हम देखेंगे। अब इसको हम काटेंगे, 15 8 120, और परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, कैंची गुणा करेंगे, 100 का यहाँ गुणा कर देंगे, तो जो होगा एक्स का कितना हो गया? 100 में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? 800 आपका तीसरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 से 1/4% के 1600 प्लस 12 से 1/2% के 800 किसके बराबर है? बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते रहें स्क्रीन पर और आगे बढ़ें। देखो लगाते हैं हम, तो 6 से 1/4% परसेंटेज का ध्यान देना, अगर जी कहीं परसेंटेज लगा होता है तो इसका मतलब होता है 100 का 1600, का मतलब गुणा, प्लस 12 से ही 1/2% का, तो यहाँ पे आ नहीं रहा है तो हम थोड़ा आगे लिख दे रहे हैं। अभी देखो इसे दोबारा से लिख देते हैं, ठीक। देखो कितना था? 6 से ही 1/4 का 4% का 1600, और 12 से ही 1/2 का परसेंट का कितना? 800। यहाँ पे 800 का गुणा करेंगे, तो इसको आगे साधारण घन में तोड़ लेंगे, 6 × 24 = 25, जो हो जाएगा 25/4 × 1600 प्लस, यहाँ देखो 6 × 24 = 25, 25/2 × 800 क्वेश्चन में यही है, और यहाँ पे परसेंटेज लगा जी दिख रहा है, इस परसेंटेज को यहाँ पे भी परसेंटेज लगा है, तो इस परसेंटेज का मतलब होगा 100/100, ठीक है। ये 800 दो जीरो से दो जीरो कट गए, यहाँ पे 1600 दो जीरो से दो जीरो कट गए, यहाँ 4 से 16 काटा, 4 × 16 हो गया, यहाँ 2 से 8 को काटा, 4 हो गया, इतना समझ में आया? इसका गुणा करो, देखो 25 का गुणा 4 में करो तो 25 × 100 हो गया, यहाँ 25 का गुणा 4 में करो तो यहाँ पे भी 25 × 100 हो गया, बीच में प्लस का ये चिन्ह लगा दो, दोनों को ऐड कर दो, आंसर 200 आ गया। समझ में आया? क्वेश्चन भी देख लो, अब क्वेश्चन यही है, 6 से 1/4% के 1600 प्लस 12 से 1/2% के 800 बराबर, आंसर कितना आ रहा है? 200। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 100 का 3/4 भाग 100 के 3/4% से एक्स अधिक है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए, यहाँ परसेंटेज लगा है, ध्यान देना, ठीक है। देखते हैं जे वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यदि इसका तो जे वाला क्वेश्चन ही गलत है, यहाँ पे रॉन्ग दिया है, इसको सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार से सॉल्व होगा, दिखाई दे रहा है, 100 का 3/4 हो गया,
बराबर 100 का 3/4%। जी यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे 100 कहाँ से लगा दिया, यहाँ पे इसलिए 100 लगा दिया क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पे ये परसेंट लगा है, तो यहाँ पे भी हमने 100 लगा दिया। इसको सॉल्व किया, 4 से 100 काट दिया 75, यहाँ पे 100 से 100 कट गया और 3/4 आ गया। इस प्रकार से अगर हम सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार से हमारा एक्स का कोई वैल्यू फाइंड नहीं होगी, बल्कि यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए एक्स की वैल्यू 99 दे रहा है और यहाँ पे इस प्रकार से सॉल्व भी कर रहा है। इस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत डाउट है, मतलब थोड़ी बहुत फॉल्ट हो गई, इसलिए ये क्वेश्चन गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बी का 1% प्लस ए का 20% क्या होगा? ये आंसर ए होगा, कैसे होगा देखते हैं। बी का 1%, तो यहाँ बी का 1% का मतलब 2/100 प्लस ए का 20%, तो ए मल्टीप्लाई बाई बी परसेंट मतलब 2/100, दोनों को जोड़ो तो हो गया 2AB/100। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई ए का 20% या ए का 20% या बी का 1%, इन दो में से एक आंसर होगा। तो इनमें से देख लीजिए, बी का 2A%, तो बी का ये वाला वी का कितना परसेंट आ रहा है, 2A%, यही आंसर आ रहा है। इतना समझ में आया, ये आंसर बी का मतलब मल्टीप्लाई बाय 2A%, परसेंट का मतलब 2/100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी संख्या का 23% 690 है, तो संख्या का 72% क्या होगा? तो कोई भी संख्या 100 से अधिक नहीं होती, तो माना संख्या x है और उस संख्या का हमें 100% निकालना है। किसी संख्या का 23%, 23% कितना है, 690, ठीक। किसी संख्या का 23% 690, तो हम मान लेंगे उस संख्या का हम 100% निकालना है हमें, तो x हो जाएगा। कैची गुणा काटेंगे, 23 से काटेंगे, 23 3 69, ये 30 बार कट जाएगा और इस 30 का गुणा हम यहाँ पे कर देंगे कैची गुणा, तो एक्स बराबर आ जाएगा 3000। इतना समझ में आया, जो एक्स की वैल्यू कितनी है 100, तो हम यहाँ लिख देंगे 100% बराबर 3000। इतना समझ में आया, चूँकि हमें वैल्यू फाइंड करनी है 72% की। क्वेश्चन में देखिए 72, तो यहाँ पे हम चूँकि हमें 100% पता है, अब 72% निकालना होगा, तो 72% बराबर हम मान लेंगे वाई है, क्या है, 72% बराबर वाई है, 72% क्या है, मान लिया वाई है। इसका क्या करेंगे हम, 2 0 से 2 0 कट गए और इसका कैंची गुणा कर देंगे, तो वाई बराबर कैंची गुणा करेंगे तो 7 3 21, यहाँ पे देखो 0 3 2 6 7 21, यही आंसर हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट मेथड है, मेथड नंबर 1 है। अब हम दूसरा मेथड देखते हैं। चूंकि किसी संख्या का 23% 690 है, तो उस संख्या का हमें 72% फाइंड करना है, तो सीधे ही हम 72% एक्स मान ले रहे हैं। एक्स मान लो, वाई मान लो, जेड मान लो, जो भी मान लो, चलो जेड मान लेते हैं इसमें, उसका हम 72% क्या मान लेते हैं, जेड है। कुछ भी मान सकते हो आप अपनी इच्छा अनुसार, जेड है, ठीक। अब हमें इस जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे करेंगे, 23 3 69, 30 बार कट गया, इस 30 का मल्टीप्लाई हम 72 में करेंगे, तो जेड की वैल्यू आ जाएगी जेड इक्वल टू 72 मल्टीप्लाई बाई 30, इसका अगर हम गुणा करेंगे तो 2160 आ जाएगा, यही वैल्यू आपको फाइंड करनी थी, यही आंसर। मजा आया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो चलते हैं, देखते हैं सातवां क्वेश्चन। 125 के 30% प्लस 300 के 45% का मान क्या है? तो 125 का 30%, तो यहाँ 125 का हम 30% ले लेंगे, तो मल्टीप्लाई बाई 30/100 प्लस प्लस कह रहा है 45% का मान क्या है, तो यहाँ प्लस 45, कितने का 45, 300 का, 45 300 का है 2/100, ओके। इसको हम काटेंगे, 100 की 2 0 से ऊपर 2 0 कट गए, यहाँ 1 0 से 1 0 कट गई, इसका गुणा करेंगे
इसका गुणा करेंगे, 3 5 15 और 3 2 6 1 7, 3 1 3, और नीचे 0 हटाएंगे तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। इतना समझ में आया? प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 5 15, 4 3 12 1 13, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 172.5। इतना समझ में आया? यही आंसर है। ऑप्शन देख लीजिए आप, तो ऑप्शन आ गया आपका बी। क्वेश्चन नंबर 8 आपको सही से दिख नहीं रहा, इसलिए इसको छोड़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट। 90 का 83 सही 1/3% कितने रुपए के 60% के बराबर होगा? तो यहाँ पर देखते हैं 90 का, तो यहाँ 90 लिखेंगे, 90 का 83 सही 1/3% माना x के 60% के बराबर होगा। कितने के 60% के बराबर होगा? x के। इतना समझ में आया? चलो देखते हैं, जो हो गया 90, इसका हम गुणा करेंगे तो जो जाएगा 125/3, और परसेंटेज का मतलब बटे 100, तो लेकिन इस साइड भी परसेंटेज है और इस साइड भी परसेंटेज है, इन दोनों परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, तो बटे 100 करने की कोई ज़रूरत नहीं। आगे देखते हैं, एक्स मल्टीप्लाई बाई 60/3। इतना समझ में आया? इसको देखो काटते हैं, 30 तिया 90, देखो 30 तिया 90 कट गया, और 30 से इस साइड के 60 काटेंगे तो 2 बार कट जाएगा, 30 दूनी 60। इतना समझ में आया कि नहीं आया? इतना समझ में आया? इसके बाद में इतना समझ में आया? यहाँ देखते हैं, थोड़ा सा फॉल्ट हो गया, हल्का सा यहाँ पे जो इसका मल्टीप्लाई आएगा, इसका 83 सही 1/3 का, वो 250 आएगा, ठीक, 250/3, तो इस 2 से 250 काट देंगे तो एक्स का मान 125 आ जाएगा। यही आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, जो भी पूछना है, जो भी क्वेरीज हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, हाउ टू के 1 2 3, बहुत ईजी चैनल है, मस्ती के साथ पढ़ते रहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो देखते हैं 10वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए बी से 16.66% कम, तो क्वेश्चन के अनुसार देखते हैं। तो ए प्रश्नानुसार ए है जो बी से 16.66% कम है। अगर हम बी इक्वल टू मान लें कि बी मान लें थोड़ी देर के लाने कि बी 100% है, क्योंकि कोई भी चीज़ 100% से ज़्यादा नहीं होती, तो बी अगर हम 100% मान लें तो ए का मान हमें 100 में से क्या करना पड़ेगा, 100 में से 16.66 घटाना पड़ेगा, उतने परसेंट आएगा, मतलब ए का मान आ जाएगा 83.34%। कितना? 83.34%। तो जो जो 83.34% है, इसका मान दिया है 500। कितना दिया है? 83.34% बराबर 500, ठीक। चूँकि बी का मान कितना है? 100, 100% से कोई भी चीज़ कम हो मतलब ज़्यादा नहीं हो सकती है, तो 100% मतलब बी की वैल्यू पूछी है, तो 100% बराबर हमने बी मान ऊपर माना है जी, लिखा है 100% बराबर बी। अब हम क्या करेंगे, इसे काटेंगे, इसको इससे काटेंगे, इसको इससे काटेंगे, इस प्रकार से काटेंगे, कैलकुलेशन हाई है थोड़ी, तो इसको हम काटेंगे तो लगभग आपका आंसर आ जाएगा 599.99, मतलब 600 आंसर आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नेक्स्ट है, एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं हैं, 54% पुरुष हैं और 196 बच्चे हैं, उस विवाह समारोह में पुरुष कितने हैं? चलो देखते हैं, तो क्या करें हम, एक विवाह समारोह है मान लीजिए, इस प्रकार से कर लेते हैं, और इसमें 3 भाग करते हैं, कितने भाग कर देते हैं? 3 भाग कर देते हैं, इस प्रकार से 3 भाग हो गए। इतना समझ में आया? 54% महिलाएं, यहाँ पे दिया है 32% महिलाएं, 54% पुरुष हैं, इसका मतलब जो है कि जो मान लीजिए 32% महिलाएं हो गई,
54% ये पुरुष हो गए। ओके, और हमने एक तुम्हें छोटा सा फार्मूला बताया है कि कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु दुनिया की, कोई भी वस्तु 100% से ज़्यादा नहीं होती। तो 32% जो निकल गए, 54% जो निकल गए, वो समारोह में तीन ही लोग हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं और बच्चे। तो बच्चों का परसेंटेज कितना बचा? तो हम क्या करेंगे, 100 में से 32 और 54 को जोड़ के घटा देंगे, उतने परसेंट क्या बचेंगे, बच्चे बचेंगे। इतना समझ में आया, उतना परसेंटेज बच्चे बचेंगे। तो कितने परसेंटेज बचेंगे उसको हम, तो इसे हम जोड़ के क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटा देंगे, 100 में से हमने 54 और 32 को जोड़ा तो हमारा आ गया 86, इसको हमने घटाया तो आ गया 14। तो 14% बराबर यहाँ बच्चों की संख्या दे रहे हैं वो लोग, कितनी दे रहे हैं, 196, 196। तो 14% बराबर 196। तो चूंकि हमें किसकी संख्या ज्ञात करनी है, हमें संख्या ज्ञात करनी है किसकी ज्ञात करनी है, 14% बराबर 196, और हमें संख्या ज्ञात किसकी करनी है, पुरुषों की। तो पुरुषों की संख्या 54% है, यहाँ पे आपको दिख रही है पुरुषों की संख्या 54% बराबर पुरुष। तो हमें यहाँ काट देंगे, 14 चौके 14 × 14 हो जाएगा 196। इतना समझ में आया, तो पुरुषों की संख्या आ जाएगी 54 × 14। इनका अगर गुणा करेंगे तो 756, ये आपका आंसर हो जाएगा। इतना समझ में आया, यहाँ पे आंसर देख लेते हैं, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, और इसको आपको ही सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, और इसको सॉल्व करके आपको कमेंट बॉक्स में, क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर देना है। और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। 4800 के 40% का 25% का मान क्या है? क्वेश्चन 4800 का 40% के 25% का मान, तो यहाँ 4800 ले लेंगे, उसका 40% परसेंटेज का मतलब बटे 100 का 25% बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, और उसके बाद में यहाँ पे देखो 25 से काट दिए, 25 × 100, जिस 4 बचा, 4 से 40 को काट दिए, 4 × 40, यहाँ 48 बचा, यहाँ 10 बचा, इनका मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा, 480। नेक्स्ट, किस संख्या का 16% 480 के 20% के बराबर है? चलो देखते हैं इसको, किस संख्या का, मान लिया वो संख्या एक्स है, एक्स का 16% परसेंट का मतलब बटे 100, और कितने के, 480 के, 480 के 20% के बराबर, ठीक है। इस 100 से हमने इस 100 को काट दिया, और यहाँ 16 से हमने 48 को काट दिया, 16 में 32, 16 थी 48, इस 3 का मल्टीप्लाई हमने 20 में किया, समझ में आया, और एक यहाँ पे 0 बच गई है, तो कितना आ जाएगा, एक्स बराबर 600। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15 है, चलो देखते हैं। 1000 इसका 25% तो बटे 100 का 1%, तुक्का का मतलब मल्टीप्लाई, फिर का 1%, ऊपर देखो मल्टीप्लाई करना है, कर दे मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ 25% है, ऊपर मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो काट दें, कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो और काट दे, ऊपर बचा 25, नीचे बटी 3 जीरो, 1 2 3। जब ये 3 जीरो को भाग देते हैं तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि 3 अंक पर दशमलव पहुंच जाएगा ऊपर, तो 2.025, यही आंसर हो जाएगा, आ गया। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ दें तो उत्तर ही संख्या है, संख्या का 40% ज्ञात करो। चलो देखते हैं, किसी संख्या, मान ली संख्या एक्स है, संख्या में किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ दें तो वही संख्या प्राप्त हो जाती, तो हम एक्स एक्स को एक साइड ले लेंगे, ठीक। तो एक्स एक्स को एक साइड ले लेंगे, तो देखो एक्स माइनस
जो हो जाएगा 75x/100 बराबर 75। इतना समझ में आया। यहाँ पे हम लासा ले लेंगे, तो जो लासा लेके हल करेंगे तो जो आ जाएगा 25x/100 बराबर 75। जब इसे हम 25 75 काट देंगे और सॉल्व करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 300। इस संख्या का हमें 40% निकालना है, तो 300 को 40% निकालेंगे तो 300 × 40 और 2100, 2020 कट देंगे तो आंसर आ जाएगा 120। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 17 देखना है अपन को। तो एक संख्या का 30% दूसरी संख्या के 40% के बराबर है। एक संख्या x है, x का हमने 30% ले लिया और दूसरी संख्या हमने y मान ली और उसका 40% ले लिया, ठीक। योगा समीकरण फर्स्ट यही कह रहा है। इसके अनुसार x बटे अगर y निकालेंगे तो 30 100 से 100 कट जाएगा और 30 उस साइड जाएगा और 40 y इस साइड आएगा, तो जो हो जाएगा 40/30। मतलब कि सीधे सीधे हो रहा है कि अगर x अनुपात y निकाला जाए तो 4:3 निकलेगा। इतना समझ में आया। तो छोटी संख्या अपनी 3 के अनुपात में आएगी, किसके अनुपात में आएगी, 3 के अनुपात में, और बड़ी संख्या किसके अनुपात में आएगी, 4 के अनुपात में। इसको हम ऑप्शन से भी देख लेते हैं। तो ऑप्शन से देखेंगे तो छोटी संख्या आएगी 720। कैसे आएगी आगे देखते हैं, ठीक। इतना आया। अब सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में क्या है, दोनों संख्याओं के योगफल का 25% 420 के बराबर है। तो दोनों संख्याओं के योगफल का 25, कोई भी संख्या हो 100% से ज़्यादा नहीं होती, तो दोनों का योगफल भी हम 100% ही मानेंगे। इतना समझ में आया। तो कितना है दोनों संख्याओं का योगफल 420 के, क्या है, 420 के बराबर। दोनों संख्याओं का योगफल का 25% 420 के बराबर। चलो देखते हैं। तो दोनों संख्याओं का योगफल यहाँ पर निकालते हैं कितना आएगा। इसके लिए हम करेंगे 420/25 × 100, ठीक। तो यहाँ से 100 करेंगे तो आपका आ जाएगा, करिए जल्दी से, 25 × 100, 4 का गुणा करिए, 4 × 2 = 8, 4 × 4 = 16, 1680 आ गया। दोनों संख्याओं का योगफल 1680 आ गया और उनका अनुपात 4:5 है, तो इसे हम लगा देंगे। एक संख्या 4 के अनुपात में, दूसरी संख्या 3 के अनुपात में, तो छोटी संख्या कितनी होगी, छोटी संख्या होगी 3/7, क्योंकि जो अनुपात होता है ये इन दोनों को जोड़ देते हैं, उसी को नीचे रखते हैं। तो छोटा ये है 3, तो 3 को ऊपर रख देंगे, क्योंकि छोटी संख्या पूछा है। 3/7 × 1600 कितना आया, दोनों संख्याओं का योग आया 1680। तो दोनों संख्याओं का योग 1680 रखेंगे। जब इसको और इसको काटेंगे तो 7 × 2 = 14 कितना हो गया, 7 × 2 = 14, 2 बचा 7 × 28 = 0। 240 का गुणा करेंगे हम 3 में, तो 240 का गुणा 3 में करेंगे तो आ जाएगा आपका 0, 4 × 12 = 2, 3 × 2 = 6 = 7। छोटी संख्या 720 आ गई। अगर वो बड़ी संख्या पूछता तब हम क्या करते, तो बड़ी संख्या के लिए भी हम क्या करते, जिस प्रकार अनुपात हमने छोटी संख्या का निकाला क्योंकि 3 छोटा है, छोटी संख्या का निकाल लिया। अगर वो बड़ी संख्या पूछता तो बड़ी संख्या 4 है, तो बड़ी संख्या हम क्या करते, 4 के अनुपात में निकाल लेते। तो किस प्रकार से निकालते देखते हैं उसे। तो छोटी संख्या आंसर तो आपका यही आ गया। अगर बड़ी संख्या पूछता तो 4/7 करते और उसका मल्टीप्लाई बाय 1680 करते। अब 7 को इससे काटते तो 240 आता, कितना आता, 240, और 240 का हम इसमें गुणा करते तो किस प्रकार से आता, 4 × 16, 4 × 2 = 8 = 9, बड़ी संख्या कितनी आती, 960 आती। समझ में आया, धन्यवाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीनी की कुल मात्रा का 5% भाग बिक जाने के बाद 5 किलोग्राम चीनी बचती है, चीनी की कुल मात्रा बताइए। चीनी हमने माना, चीनी देखो 100% थी, कितने परसेंट थी, 100%, 100% थी, लेकिन 5% क्या हो गई, बिक गई। जब 5% बिक गई तो बची कितने परसेंट, 95%। इतना समझ में आया। जब 100% थी, ठीक, और 5% बिक गई
बची कितनी, 95%। ओके 95%, ठीक। तो वो कह रहा 95% जो है वो 5 किलोग्राम, 5% बिक जाने के बाद 5 किलोग्राम शेष बच, तो मान 95% कितने किलोग्राम के बराबर हो गया, 5 किलोग्राम। अब चीनी की वो कह रहा कुल मात्रा ज्ञात कीजिए, देखो चीनी की कुल मात्रा बताइए, चीनी की कुल मात्रा हमने कितनी मानी 100%, चीनी की कुल मात्रा 100% हो गई और इसको मान लिया x। देखो 5 से इसको काट दिया 95 को, तो 19 बार कट गया, कितने बार कट गया, 19 बार कट गया। अब 19 का गुणा x में होगा और 100 का गुणा 5 एकम 5 एक में होगा, x बराबर 100/19 हो गया। इतना समझ में आया, इसको सही बटा में ट्रो देंगे तो 5 सही 5/19 यही x की वैल्यू आ जाएगी। इतना समझ में आया, यही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन 19वां देखते हैं। 50 का 860% और 860 का 50%, मतलब वो घुमा रहा है, एक रुपये का आधा पर आधा रुपये बता रहा है और फिर दूसरी जगह भी आधा रुपये बता रहा है, तो आधा आधा जोड़ेंगे तो कितना, एक ही रुपये तो आएगा। इसी प्रकार जे 50 का 860% प्लस 860 का 50% किसके बराबर होगा, 860 के बराबर होगा, तो कोई बड़ी बात है क्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 का 1.25, रुपये 10 का कितना प्रतिशत है, इस सवाल को देख देख लो। 20 क्वेश्चन बहुत ईजी है, 1.25 है, ठीक। वो कह रहा 10 का कितना परसेंट है, तो 10 का x परसेंट मान लेते, यहाँ 2.5 है, दशमलव हटाएंगे तो आ जाएगा, इस 100 से ये वाला 0 फट जाएगा। अब क्या हुआ, x बराबर देखो यहाँ पे 1.25/10 आया, 10 को हटाएंगे तो जी ऊपर क्या लगेगा, दशमलव लगेगा, तो 12.5 या तो यही आंसर होगा, नहीं तो होगा 12 सही 1/ क्या होता है 12.5, यही आंसर होगा। नेक्स्ट समझ में आया, 12 सही 1/2 हो जाएगा, नहीं तो आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट। चलो अब हम थोड़ा बेसिक बताते हैं, जब किसी की वृद्धि हो, जब किसी की क्या हो, वृद्धि हो, किसी की भी वृद्धि हो, जो नोट मान लीजिए आप, जैसे 10% की वृद्धि हुई तो हम उसे 100 में जोड़ देंगे, उसे क्या करेंगे, हम 100 में प्लस कर देंगे, समझ में आया। और जब किसी की भी हानि भाई, जब किसी को किसी भी वस्तु की हानि होती है, जब किसी को किसी भी वस्तु की हानि होती है, किसी भी वस्तु की कितने भी परसेंट की हानि हो, तो उसे हम 100 से क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, ठीक। इतना समझ में आया, जैसे मैंने एक कार खरीदी 1,00,000 रुपए, ओके 1,00,000 रुपए खरीदी और 10% की हमें वृद्धि हो गई, तो ये जब हमने उसे 120 मतलब 1,20,000 में बेची, तो हमें कितना हुई, 20% की वृद्धि हुई, कितने परसेंट की, 20% का लाभ हुआ। तो हमें 20% का लाभ हुआ, तो हम ऐसा नहीं लिखेंगे कि ओनली 20 लिख दें, हम ऐसा नहीं लिखेंगे कि ओनली 20 लिख दें, हम इसे 120 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 20% का लाभ हुआ, तो हम 20 को कितने में, 100 में ऐड कर, 100 में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और अगर हमें हानि होती, मान लो 80,000 में बिकती वो कार, ठीक, तो अगर 80,000 में बिकती तो फिर हम उसे 100 से घटा देती, 100 से अगर हम 20 को घटा देंगे तो 80% बराबर 80,000 कर देंगे, समझ में आया। चलो थोड़ा और डिटेल से समझेंगे जब क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन 24,000 हो गया, तो एक व्यक्ति को वेतन 20% अधिक मिला, पहले मिला तो वह 100%, ठीक, तब उसका वेतन था x, अब 20% ज़्यादा मिल रहा, तो 20 में 100 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 120%, और 120% कितने के बराबर हो जाएगा, 24,000 के बराबर, कितना हो गया उसका वेतन, 24, समझ में आया।
अब वो कह रहा है तो उसका पूर्व वेतन कितना था, तो पूर्व वेतन हमने माना था 100% था, किसी का वेतन 100% से ज़्यादा नहीं हो सकता, कोई भी चीज़ 100% से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो हमने पूर्व वेतन माना एक्स, इसको निपटा देते काट देते, तो जी देखो 12 दूनी 24 और कितना बचा, 20 बचा, 200। अब इस 200 का मल्टीप्लाई इस 100 में कर देंगे हम, तो करिए तो एक्स बराबर देखो 21,25,10,000, उसका जो मूल वो थी वो कितनी थी पहले, सैलरी 20,000 थी और 20% और बढ़ गई तो कितनी हो गई, 24,000, यही उसका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, वार्षिक परीक्षा में महुआ को गणित में सुप्रीमो से 10% कम अंक मिले, महुआ को 81 अंक मिले तो सुप्रीमो को कितने अंक मिले, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ध्यान से सुनना नहीं तो समझ में नहीं आएगा। चलो लगा, चलो देखते हैं, वार्षिक परीक्षा में महुआ को गणित में सुप्रीमो से 10% कम अंक मिले, जो महुआ है उसे सुप्रीमो से 10% कम अंक मिले, अगर हम मान लें, ठीक हम क्या कर लें, मान लें कि सुप्रीमो को, जो सुप्रीमो है उसे 100 अंक हमेशा मिलते हैं, 100% अंक मिलते हैं मान लें, तो महुआ को कितने मिलेंगे, 10% कम मिल रहा है सुप्रीमो से, तो महुआ को हमेशा 90% अंक मिलेंगे, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब वो कह रहा है क्वेश्चन में कि महुआ को 81 अंक मिले, चूँकि महुआ को 90% मिलते हैं तो 90% बराबर कितने के, 81, 90% बराबर 81 के, क्योंकि महुआ को 81 ही अंक मिले।